अभी 15 सितंबर से लेके 24 तक IAS का मेंस एग्ज़ाम हुआ है, तो जस्ट डन विद इट। एंड तो एक तो चीज़ ये है कि अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लो, क्योंकि एक दिन में दो दो एग्ज़ाम्स होते हैं 3-3 घंटे के, एंड बीच में सिर्फ 2 घंटे का गैप होता है, तो इट्स लाइक थोड़ा मेंटल प्रेशर ज़्यादा होता है, बट इतना कोई है नहीं। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप वो सेट हो जाएगा। थोड़ा उस तरीके से मॉक्स देने ज़रूरी हैं कि लाइक सुबह जैसे 9 से 12 एक दिया, फिर उसके बाद 2 से 5 दिया, तो मैनेज हो जाता है, सभी करते हैं, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तो प्रीलिम्स के लिए अगर मैं पहले बात करूँ तो मेन चीज़ है, ठीक है, जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो वो तो चलो रिवाइज़ करना ही है, उसके टेस्ट भी देते हो आप, जैसे वीकली टेस्ट देते हो, बट उसके बाद जो टेस्ट सीरीज़ है, जो CAM 1 CAM 2 है और TCP, जो टेस्ट सीरीज़ होती हैं, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मतलब उसी, अगर आप वो आप सीरियसली कर रहे हो ना, रेगुलरली दे रहे हो, अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर रहे हो, रैंक्स वगैरह भूल जाओ कि रैंक कौन सा आ रहा है, नंबर कितने आ रहे हैं, उस पर मत जाओ। कि क्वेश्चन वगैरह अगर आप दोबारा से रिवाइज़ कर रहे हो, कोई कॉन्सेप्ट जो भी आपका गलत हो रहा है क्वेश्चन, उसको देख रहे हो, उस कॉन्सेप्ट को दोबारा रिवाइज़ कर रहे हो, एंड वो उसमें रेगुलर हो। पहले शुरू वाले टेस्ट में तो आपके सेक्शनल टेस्ट होते हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होते हैं, उसमें तो आपने रिवाइज़ करना होता है, बस पढ़ना होता है कि एक सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ के उसका टेस्ट दे के, और उसमें जो आपका गलत हो रहा है और मतलब जो कमी खामी है उसमें, उसको कवर करना है आपने। एंड उसके बाद जो फिर एक्चुअल में आपने नंबर देखने, आप जब आपके फुल लेंथ टेस्ट होने लग जाएंगे, जो लाइक 2 मंथ्स अराउंड पहले स्टार्ट होते हैं एग्ज़ाम से, तो उसमें आपके नंबर आने अच्छे आने चाहिए। उसमें भी अगर कमी हो रही है तो जस्ट कीप एनालाइजिंग, अब उसमें कुछ आप कर नहीं सकते हो। अगर नंबर कम आ रहे हैं तो एनालाइज करते रहो, डिसहार्टन नहीं होना। तो उसको अगर आप अच्छे से करोगे ना, तब आई एम श्योर शॉर्ट कि मैं बोल सकता हूँ कि प्रीलिम्स हो जाएगा, चाहे जैसा मर्जी प्रीलिम्स आए। अभी बोलते हैं कि लाइक बहुत मुश्किल था, मुश्किल था, मतलब मैं भी हैरान रह गया जब एग्ज़ाम सामने आया था, तो आई वॉज ऑल्सो लाइक वेरी यू नो, मतलब मेरा मेंटल स्टेट बिल्कुल चेंज हो गई थी। बट उस टाइम पे सबकी होती है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अच्छा है कि उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा होगा, सबका एकदम से दिमाग घूम जाता है वहाँ पे। बट ठीक है, जो क्वेश्चन सामने आता है बस उसको अटेम्प्ट करना होता है, और तो कुछ सोच नहीं सकते हम। जो क्वेश्चन सामने आया वो आता है, नहीं आता है, नहीं आता है, आगे चलो, बात ख़त्म, सर्कल करके आगे चलो। तो टेस्ट सीरीज़ है, एंड टेस्ट सीरीज़ का मेन ये है कि मैंने अराउंड 3 वीक्स बिफोर द एग्ज़ाम मैंने सारे टेस्ट जो अब तक दिए हैं सब उठाए, एंड एज अ रिविजन मैंने जो भी क्वेश्चंस गलत थे सारे वो देखे, उनकी एक्सप्लेनेशन देखी, और मतलब अच्छे से उनको एनालाइज किया। तो उससे एक बहुत अच्छी आपकी रिविजन हो जाएगी पूरे सिलेबस की, एंड दैट विल बी अ मेजर फैक्टर। उसके बाद आपकी नॉलेज में एकदम से आपको खुद लगेगा कि हाँ, मेरी नॉलेज बहुत बढ़ चुकी है, मतलब कुछ है, फ़र्क आया है कुछ, मतलब चीज़ों में मुझे अब आती हैं चीज़ें। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेस्ट दोबारा उठाने हैं, ऐसे नहीं है कि दे दिया किसी कॉर्नर में रख दिया रूम के, उसके बाद पता ही नहीं है, दोबारा उठाने हैं उनको, दोबारा रिवाइज़ करना। तो एक तो ये चीज़ हो गई। CSAT आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपने देख लिया है CSAT कैसा आता है। तो वैसे ऑनेस्टली 67 लाना इतना मुश्किल नहीं है, तब मुश्किल है जब आप CSAT को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हो 100%, आपने ध्यान ही नहीं दिया कि कर लेंगे वहाँ पे। तो अगर वैसा कुछ कर रहे हो फिर आपके 67 भी नहीं आएंगे। पर अगर थोड़ा बहुत आप करोगे ना, थोड़ा सा आप जैसे यहाँ पे क्लासेस होती हैं उन पे थोड़ा ध्यान दोगे, थोड़ा सा हर रोज़ चाहे 1 दिन 2-3 घंटे दे दिए CSAT को, दैट्स मोर देन इनफ। हमने कोई 150 ला के कोई कुछ किसी को दिखाना नहीं है कि हमने CSAT में 150 दे दिया, करना ही नहीं है उसका कुछ। तो मेरे भी कुछ लाइक 89-90 कुछ बने थे, तो डजेंट मैटर, हमें बस वो एक कट ऑफ क्रॉस करनी है। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के नहीं बनेगा बहुत, नहीं तो फिर आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगी आगे। पता नहीं, UPSC बहुत अनप्रडिक्टेबल हो चुका है, और मुश्किल आ गया, फिर आप घर आके आप सोचोगे कि हमने CSAT किया नहीं है CSAT की वजह से, चाहे आपके नंबर उसमें 130 बन रहे हो जनरल स्टडीज़ में। तो ये आपने दिमाग में रखना है कि CSAT को इग्नोर नहीं करना है। तो ये चीज़ हो गई। मेंस पे आते हैं। मेंस का एक तो होता है कि जो सिलेबस है कि CSAT जो आपका जनरल स्टडीज़ जो प्रीलिम्स में आता है, उसमें कुछ चीज़ें होती हैं आप मेंस में आती हैं वो आप प्रीलिम्स में नहीं पढ़ते हो, जैसे गवर्नेंस हो गया, सोसाइटी हो गया, थोड़ा बहुत पढ़ते हो लाइक इन जनरल आप पढ़ते हो थोड़ा बहुत, बट थोड़ा डिटेल में मेंस के लिए अलग से पढ़ना पड़ता है। तो उसके लिए एक तो ये कि फर्स्ट 2-3 वीक्स जैसे आपका प्रीलिम्स होता है, एक तो
उसके बाद जो भी आंसर की आती है देख लो, उसी दिन अगले दिन दो तीन दिन में जिस किसी की भी आती है, आई थिंक मैंने शंकर आईएएस का देखा था, आई थिंक शंकर आईएएस का सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होता है मेरे हिसाब से, विजन का भी ठीक होता है, विजन एंड शंकर आईएएस, और किसी के भी इनसाइट वगैरह इनके मत देखना क्योंकि मोस्टली उनके बहुत 5-6 क्वेश्चन उनके गलत ही होते हैं। तो ये एक दो के जैसे विजन आईएएस हो गया, शंकर आईएएस हो गया, इनकी आप वो देख लो अपनी आंसर की मिला लो, ठीक है, नंबर आपको आइडिया हो जाएगा, थोड़ा बहुत पता लग जाता है कि कट ऑफ इतनी जाएगी, कैसा एग्ज़ाम था, बट उसके बाद फिर आप वेट मत करो कि लाइक मैं वेट कर रहा हूँ रिजल्ट की आएगा, अब तो वैसे तो 2 हफ्ते में ही निकाल दिया था, पहले तो लाइक महीना महीना नहीं निकालते थे, तो 2 हफ्ते भी क्यों वेस्ट करने मत करो, ठीक है, 2-3 दिन चलो रिलैक्स कर लिया अलग बात है, वो कर लिया, बट उसके बाद फिर तुम वो सब्जेक्ट्स उठाओ जो तुमने नहीं किए, सोसाइटी गवर्नेंस लेक्चर्स पढ़े हैं यहाँ पे इनके, अभिमन्यु के लेक्चर्स पढ़े हैं वो देख लो, या बुक से करना है वैसे कर लो, सिलेबस साथ में होना चाहिए, जो आपका सिलेबस है मेंस का जो सिलेबस है यूपीएससी का वो आपके हाथ में होना चाहिए, उस टॉपिक के हिसाब से आपने पढ़ना है, ऐसे नहीं कि बुक उठा ली, जैसे वो गवर्नेंस की पूरी बुक आती है उसकी लक्ष्मीकांत की, कि मैं सारी सारी पढ़नी है मैंने, वैसा कुछ नहीं करना, सिलेबस देखो, अब उसमें पॉलिसीज़ है बहुत सारी किसी चीज़ की, नेशनल पॉलिसी एग्रो फॉरेस्ट्री ये वो, मतलब बहुत सारी नेशनल पॉलिसीज़ जैसे 4-5 चैप्टर्स हैं उनके, तो ऐसे पढ़ने लग जाओगे तो आपका टाइम वेस्ट है, ठीक है, तो सिलेबस उठाओ, पॉलिसी भी इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है जो आपके करंट अफेयर्स में है, जो जैसे अभी फॉरेन ट्रेड की पॉलिसी आई है नहीं, तो वो करंट अफेयर्स में है, वो पढ़नी है, वो आपको पता है, बट ऐसे लाइक जो 2000 में पॉलिसी आई हुई है, 2002 में पॉलिसी आई हुई है, उस पर इतना ध्यान, वो ऐसे टाइम वेस्ट करने वाली बात है, तो एक तो वो चीज़ है, पहले वो सब्जेक्ट करो, 2-3 हफ्ते उसे ज़्यादा मत लगाओ उस पर, जो भी आपके जो रिमेनिंग एथिक्स है, एथिक्स का भी कुछ आसपास के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो ज़्यादा ध्यान देते हैं कि लाइक आप एथिक्स अच्छे से पढ़ो, एंड लाइक यू नो बड़ी मोटी मोटी किताबें पकड़ा देते हैं एथिक्स की, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही जनरल क्वेश्चंस आते हैं, अभी जैसे एक क्वेश्चन था कि व्हाट आर द टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक एंड हाउ आर दे रेलेवेंट इन टुडेज़ कॉन्टेक्स्ट, तो दीज आर द थिंग्स यू कैन आंसर, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से जो जैसे कुछ वैसे सिलेबस में मेंशन है कि क्या क्या के कुछ जैसे इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनके बारे में पढ़ना है आपको, तो उनका ऊपर ऊपर से पढ़ लो, ठीक है, बहुत है, ज़्यादा डिटेल में घुसा के फिर एथिक्स ही करते रहोगे, फिर केस स्टडीज़ है, केस स्टडीज़ प्रैक्टिस करो, थोड़ा आपको करना पड़ेगा क्योंकि एकदम से वहाँ पे दिमाग नहीं चलता, एग्ज़ाम में नहीं चलता, टाइम भी नहीं होता इतना, तो केस स्टडी के लिए ऑनलाइन रिसोर्सेज भी हैं, आपको वैसे गूगल पे मिल करोगे तो लाइक बहुत सारे आपको केस स्टडीज़ ऐसे मिल जाएंगे कि लाइक अब जैसे यूपीएससी केस स्टडीज़, एथिक्स केस स्टडीज़, तो बहुत आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे, उनकी प्रैक्टिस कर लो, जैसे हर रोज़ सोच लो कि मैंने सोने से पहले 2 केस स्टडीज़ करनी है, ठीक है, वैसे आप प्रैक्टिस करोगे बहुत है, एंड बाकी एथिक्स का पेपर बहुत जनरल होता है, आप लिख सकते हो, कोई इतनी कोई बड़ी बात नहीं, तो एक तो ये हो गया, बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स हो गया, उसमें अब आपने अगर आप ध्यान दोगे आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ चुके हो सारा मोस्टली, क्योंकि आप प्रीलिम्स के साथ मेंस की तैयारी भी कर ही रहे होते हो, तो आप वो थोड़े सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप पढ़ते ही हो, आप तैयारी करते ही हो उन चीज़ों की, तो वो आप कर चुके हो, अगर आपको कोई लगता है कोई ऐसा टॉपिक है आपको पता होगा कि मुझे ये टॉपिक अभी कम आता है, मेरे प्रीलिम्स में भी मेरी दिक्कत थी, चलो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया होगा नहीं आया होगा वो दैट डजंट मैटर, वो तो चला गया, बट मेरी उसमें दिक्कत थी तो मैं वो टॉपिक उठाऊंगा उसको थोड़ा पढ़ूंगा, मतलब ऐसा नहीं कि आप इकोनॉमिक्स की किताब उठा के सारी इकोनॉमिक्स दोबारा पढ़ रहे हो, हिस्ट्री सारी दोबारा पढ़ रहे हो, दैट्स शियर वेस्टेज ऑफ टाइम, क्योंकि आप वो सारा पढ़ चुके हो, कोई नया आपके दिमाग में कुछ नहीं आ जाएगा, आपको पता है कि आपका कोई कौन सा टॉपिक आपका कोई वीक है वो उसको उठा लो, जैसे इकोनॉमिक्स में एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज अलग से है एक टॉपिक, तो उसको उठा लो, उसकी जो कुछ चीज़ें हैं वो देख लो आप आराम से, मतलब फिर उसमें लेकिन ये ऐसे नहीं कि आप GDP उठा के सारा पढ़ने लग गए कि जी हाउ इज़ GDP कैलकुलेटेड एंड ये सब, वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, हिस्ट्री का भी ऐसा ही है, हिस्ट्री का अगर आपको रिवाइज करना है तो आपको पता होना चाहिए, इतनी इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि मेंस में क्या आता है, मेंस में आप ये नहीं पढ़ोगे कि कौन सा लाइक कौन सी डायनेस्टी किस डायनेस्टी के बाद आई, या कौन सा इसके बाद कौन सा राजा था इस टाइम यहाँ पे कौन था, मतलब आप क्या पढ़ोगे कि इस टाइम पे इन जनरल इस जनरल टाइम पे सोसाइटी कैसी थी, ठीक है, कल्चर कैसा था, आर्किटेक्चर आर्ट एंड आर्किटेक्चर, बस हाँ ये है कि मेन से पहले आपको आर्ट एंड आर्किटेक्चर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, वो एक अलग से आप जैसे आप सोसाइटी और एथिक्स पढ़ रहे हो वैसे एक आपको कल्चर और आर्ट एंड आर्किटेक्चर वो आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, वो भी आपको एक हफ्ता नहीं लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगाओगे क्योंकि आप प्रीलिम्स में भी पढ़ चुके हो, क्योंकि वो साथ हिस्ट्री में साथ ही होता है, तो एक वो चीज़ है, एंड फिर वो
ऐसे ही पॉलिटी है. पॉलिटी का भी मैं ये बोलूँगा कि जैसे आपको यहाँ पे भी इश्यूज, आई डोंट नो, इश्यूज की क्लास होती है अभी, तो उसमें आप पॉलिटी के इश्यूज़ वगैरह पढ़ते हो, अखबार भी पढ़ते रहते हो आप, तो पॉलिटी का उस पर ध्यान दो. अगर आप देखोगे ना तो एग्ज़ाम में करंट अफेयर ओरिएंटेड क्वेश्चंस ही होते हैं, पॉलिटी के भी करंट अफेयर ओरिएंटेड ही होते हैं आमतौर पे. दूसरे को जाते हैं बहुत जनरलाइज आते हैं कि जैसे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को समझाओ या मतलब क्वेश्चंस लाइक दैट. वो आप पहले ही आप जैसे आप पढ़ रहे हो क्लास में आप कर चुके होते हो, ये जनरल क्वेश्चंस आपको करवाते ही हैं, ठीक है. उसके बाद जो पॉलिटी के करंट अफेयर्स वगैरह वो मतलब इशू एंड एनालिसिस की क्लास में जो आप करते हो, और करंट अफेयर्स की कोई अगर मैगजीन फॉलो कर रहे हो उसमें थोड़ा पॉलिटी के लिए स्पेशली करंट अफेयर्स गो थ्रू हो जाओ, क्योंकि जो इश्यूज हैं जैसे अभी एक गवर्नर्स का इशू था उसके बेस पे क्वेश्चन आया था कि गवर्नर कैसे अपनी पावर मिसयूज़ कर रहे हैं, तो ठीक है उनके क्या एक्सटेंट है उनकी पावर का अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, वो अभी है हमारे जनरल जैसे बात होती है हमारे करंट अफेयर्स में, तो वैसी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. बाकी ज्योग्राफी तो है ही, आपको पता ही है, वो तो जनरल है, ठीक है. दैट्स लाइक साइंस, ज्योग्राफी तो साइंस की तरह है, तो आपने पहले अच्छे से पढ़ी हुई है, यू डोंट नीड टू पिक द बुक अप एंड रिवाइज अगेन सारा कुछ. ऐसे फिजियोग्राफिक डिविजन्स दोबारा से रिवाइज करने लग गए, अगर आपको लगता है कि मैं भूल रहा हूँ कुछ तो लाइक वो अलग बात है, बट ज्योग्राफी की दोबारा किताब उठाने की जरूरत नहीं है, अनलेस दैट इट्स योर ऑप्शनल. मेरा जैसे ऑप्शनल ज्योग्राफी था तो वो अलग बात थी. एंड इसके अलावा न्यूज़पेपर वैसे मेंस में अगर आपके पास टाइम है पढ़ते रहो. पता है क्या होता है, मेंस न्यूज़पेपर आपका दिमाग खुला रखता है. सुबह ऐसा मत सोचो कि अभी मेंस आना है अभी मेरे पास टाइम नहीं न्यूज़पेपर पढ़ने का. सुबह आधा घंटा पौना घंटा निकाल लो, कुछ नहीं होता है, अब 24 घंटे होते हैं, बहुत टाइम होता है. न्यूज़पेपर पढ़ते रहो, क्योंकि जैसे कुछ भी है, G20 का भी हुआ है डॉक्यूमेंट निकला है, ठीक है, उसमें जो ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस की बात हो रही है, कोई भी इतने सारे आर्टिकल्स आते हैं क्लाइमेट चेंज पे, अभी भी आर्टिकल्स आ रहे हैं, किसी भी इशू पे कोई भी आर्टिकल्स आते हैं, जस्ट से तो उसको पढ़ते रहो, क्योंकि आपका दिमाग खुलेगा, ठीक है. क्योंकि बहुत कुछ नहीं पता होता कि वहाँ पे क्या स्ट्राइक कर जाए. जैसे क्वेश्चन था अभी कि डैम फेलियर पे क्वेश्चन था एक, कि डैम फेलियर किन कारणों से होता है, एंड कोई दो डैम फेलियर बताओ बड़े. तो इसमें भी जैसे लीबिया में डैम फेलियर्स की वजह से डर्ना सिटी सारा तबाह हो गया, तो आई कुड राइट दैट, क्योंकि मैं अखबार पढ़ रहा हूँ, मुझे रेगुलरली पता है क्या हो रहा है. तो ऐसे पता नहीं होता कि कहाँ कब चीज़ कौन सी यूज़ हो जाए, तो न्यूज़पेपर मत छोड़ना. टाइम थोड़ा कम कर दो, पहले 1.5 घंटा लगाते थे, पौना घंटा कर लो. मेन थोड़े आपको आर्टिकल्स वगैरह पता होते हैं वो पढ़ लो. एंड अगर आपको थोड़ी कन्फ्यूजन है न्यूज़पेपर वगैरह की, तो कुछ इंस्टीट्यूट्स अपना ये डाल देते हैं कि ये आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं, अपनी पेजेस पे, इंस्टाग्राम पेजेस वगैरह पे डाल देते होते हैं, तो उसमें से देख लो, वही आर्टिकल्स पढ़ लो. आपको अगर इतनी मेहनत लगती है सारा न्यूज़पेपर ब्राउज़ करने में, तो एक तो ये चीज़ है. क्या पूछ रहे हैं? नॉट बिफोर मेंस के पे पहले इतना टाइम नहीं था. हाँ, अगर कुछ ऐसा है कि मुझे कोई वैल्यूएशन लगी, जैसे कोई क्लाइमेट चेंज का कोई मुझे पॉइंट दिखा, मुझे कोई डेटा पॉइंट दिखा कि हाँ ये मेंस में यूज़ हो सकता है, वो मैंने नोट कर लिया जहाँ पे मैं अपना क्लाइमेट चेंज का मेरे नोट्स हैं. बट ज़्यादा मत घुसना नोट्स बनाने में कि मैं एक आर्टिकल उठाया और ये पॉइंट्स हैं और मैं इसके नोट्स बना रहा हूँ, वो आपका टाइम वेस्ट करेगा. कुछ डेटा पॉइंट मिलता है आपको जो आप जैसे इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन में यूज़ कर सकते हो, वो उठा लो, बस वही उठाओ. ऐसे जो पॉइंट्स है उसकी आर्ग्यूमेंट जो है किसी आर्टिकल की, उस पर इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट मत करना, वो मत लिखने लग जाना, वो तो अपना दिमाग लगा के तुमने करना है वहाँ पे. वही मैं डेटा पॉइंट बोल रहा हूँ ना, कि वो कोई मेजर, वो भी स्टैटिस्टिक्स बहुत होते हैं कई बार, तो जो मेजर पॉइंट है कोई, कि जैसे इंडिया में टू द ट्यून ऑफ $100 billion अपनी वो आ रही है, रेमिटेंसेज आ रही हैं, ये अगर वैसे तो याद है तो ठीक है, नहीं अगर तुम्हें दिखता है ये एक मेजर पॉइंट है, ये यूज़ हो सकता है. जैसे डायस्पोरा पे क्वेश्चंस आते हैं तो वो लिख के करके लिख के अपने पास रख लो. मतलब हर स्टैटिस्टिक मतलब हर डेटा पॉइंट को मतलब लिखने की ज़रूरत नहीं है. तो एक तो ये है. टाइम मैनेजमेंट की जो बात करें, टाइम मैनेजमेंट तभी होगी अगर आप प्रैक्टिस करोगे. बिना प्रैक्टिस के आपके वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट नहीं होने वाला. आपको पता होना चाहिए कि 10 नंबर का जो क्वेश्चन है, 150 मार्क वर्ड्स का जो क्वेश्चन है, उसे 5-6 मिनट से ज़्यादा नहीं लेने. अगर आप ले रहे हो तो उसको कम करो. आप वर्ड्स ज़्यादा लिख रहे हो शायद, ठीक है, आपको भी अड़चन हो रही है, तो वो अड़चन भी जो हो रही है आपको पता होना चाहिए. अगर क्योंकि आपके जब प्रैक्टिस करोगे आपके पास क्वेश्चन भी होंगे, आपको पता है कि इस क्वेश्चन में मुझे गड़बड़ आ रही है, ठीक है, मेरे से लिखा नहीं जा रहा, तो वो टॉपिक उठा लो. मे बी आपको थोड़ा उसका वीक है टॉपिक उसका, बट वो कैसे आएगा,
जब आपके पास क्वेश्चंस होंगे. तो प्रैक्टिस तो मेन चीज़ है. मतलब हर रोज़ अगर कर सकते हो एक टेस्ट कर लो, नहीं तो एक एक दिन छोड़ के कर लोगे. 3-3 घंटे के टेस्ट होते हैं, या कई तो 1.5 घंटे के भी. तुम 1.5 घंटे में मतलब आधा जैसे होते हैं, कई टेस्ट सीरीज ऐसी होती है कि वो मतलब हाफ ऑफ द एग्ज़ाम देके जैसे 1.5 आवर्स में आप कर सकते हो उसको, ताकि आपके पास टाइम भी आपका कम लगे, बट आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए कि कैसे उसको डील करना है. बट पास आके तो एक महीना पहले तो आपको फुल लेंथ टेस्ट देनी पड़ेंगे, वैसे वैसे जैसे 3-3 घंटे जैसे आप देते हो हर रोज़ 2-2 पेपर. तो वो टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन करो कोई अच्छी सी, तो उसी से प्रैक्टिस होगी. तो टाइम मैनेजमेंट तो वहीं से आएगी. एंड अगर वहाँ पे एक आध क्वेश्चन छूटता है तो छूटने दो. होता है तो हो सकता है छूट जाए, क्योंकि 20 क्वेश्चन होते हैं, 3 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं. 10 क्वेश्चन तो 250 वर्ड्स के होते हैं, 15 मार्क्स के, और 10 दूसरे होते हैं 150 वर्ड्स के. तो हो सकता है एक आध क्वेश्चन छूट जाए, उसकी टेंशन नहीं लेनी इतनी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि तुम सारे के सारे क्वेश्चन कर दोगे. बट ऐसा नहीं कि तुम 3-4 क्वेश्चन छोड़ रहे हो, फिर तो लाइक चांसेस कम ही है तुम्हारे. तो तुम्हारा जो ओपोनेंट है वो कर देगा, वो 19 कर देगा, वो 20 भी कर देगा शायद. तो अपनी ट्राई करो कि मैक्सिमम करना है. जैसे 15 नंबर का क्वेश्चन है, उस पर 7-8 मिनट से ज़्यादा नहीं, 8 मिनट से तो बिल्कुल ही ज़्यादा नहीं. तो वो तुम्हें टाइम स्टार्ट में स्टॉप वॉच रख लो और उसको नोट करो तुम कितना टाइम ले रहे हो. प्रैक्टिस करोगे तभी. यहाँ पे जैसे वीकली टेस्ट में कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको बहुत टाइम मिलता है, सीरियसली बहुत टाइम मिलता है. मैं तो बोलता हूँ कि ये गलत है, आपको बहुत टाइम दे देते हैं 3 क्वेश्चन करने के लिए, 1 घंटा दे देते हैं, नहीं करना चाहिए. ठीक है, ये आपको मिल रहा है वो अलग बात है, बट आप अपने लिए सोचो कि आपने वहाँ पे एग्ज़ाम में आपको कितना टाइम मिलेगा. तो आप खुद के लिए उतने टाइम में करने की कोशिश करो कि 3 घंटे मेरे, 3 क्वेश्चन मेरे 15-20 मिनट में हो सकते हैं कि नहीं. मतलब 3 क्वेश्चन तो आधे घंटे में लगा दो, एटलीस्ट आधा घंटे से स्टार्ट करो कि मैं 3 क्वेश्चन अगर मेरे टेस्ट में आया तो मैं आधे घंटे में इसको कंप्लीट करूँ किसी भी हालत में. यहाँ से स्टार्ट करोगे तब तक वहाँ मेंस के मेंस आने तक आपको आइडिया हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप कर सकते हो. तो टाइम मैनेजमेंट का तो यही है. बाकी इसमें और क्या हो सकता है, क्वेश्चंस है नहीं? प्रीलिम्स के लिए या जैसे लाइक इन जनरल?